तो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे 10 लाख के बजट के अंदर आने वाली टॉप 5 SUVs जो कि अच्छे खासे ग्राउंड क्लियरेंस के साथ आती है। तो उससे पहले फ्रेंड्स प्लीज़ फॉलो एंड सब्सक्राइब करें PK ऑटो व्लॉग्स, जिससे मैं आपके लिए और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेके आता रहूँ। तो सबसे पहले आती है टाटा की नेक्सॉन, जिसमें आपको 209 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है और ये आपको 1.2 लीटर पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल ऑप्शन के साथ मिल जाती है। सेफ्टी की बात करें तो इसमें 5-स्टार रेटिंग मिली हुई है और इसमें आपको मैनुअल एंड ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन मिल जाते हैं। दूसरे नंबर पर आती है रेनॉल्ट की कायका, इस कार में आपको 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जिसमें कि 1 लीटर का पेट्रोल इंजन विद नेचुरली इंस्पायर्ड एंड टर्बो दोनों के साथ मिल जाता है। सेफ्टी की बात करें तो इसको 5-स्टार रेटिंग मिली हुई है, ये मैनुअल एंड ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन के साथ अवेलेबल है। तीसरे नंबर पर है किया की सोनेट, ये कार भी आपको 205 mm के ग्राउंड क्लियरेंस के साथ मिलती है, इसमें 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन प्लस 1.5 लीटर का डीजल इंजन ऑप्शन अवेलेबल है। इसकी सेफ्टी रेटिंग्स अवेलेबल नहीं है, बट इसमें आपको मैनुअल, क्लचलेस मैनुअल एंड ऑटोमेटिक ये तीनों ट्रांसमिशन ऑप्शन अवेलेबल है। चौथे नंबर पर है मारुति की ब्रेजा, जो कि आपको 200 mm की ग्राउंड क्लियरेंस के साथ 1.5 लीटर पेट्रोल और CNG दोनों ऑप्शन में अवेलेबल है, इसमें आपको मैनुअल एंड ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन ऑप्शन मिल जाते हैं। और सबसे लास्ट में है हुंडई की वेन्यू, ये गाड़ी आपको 195 mm के ग्राउंड क्लियरेंस के साथ मिल जाती है, जिसमें आपको 1.2 लीटर पेट्रोल एंड 1 लीटर पेट्रोल विद टर्बो और उसके अलावा 1.5 लीटर डीजल ऑप्शन भी मिल जाता है। इसमें आपको मैनुअल, क्लचलेस मैनुअल एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ये तीनों ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। तो आप बताइए इनमें से आपकी सबसे फेवरेट कार कौन सी है।